प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा 3 दिवसीय रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने विकास भवन सभागार में जिला योजना, राज्य सेक्टर, केंद्र पोषित बाह्य सहायतित योजना और केदारनाथ धाम में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में जिला योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को संचालित सभी योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करते हुए धनराशि का व्यय करना सुनिश्चित करें, ताकि योजनाओं का लाभ आम जनमानस को उपलब्ध हो सके। साथ ही संबंधित क्षेत्र के विधायक और जनप्रतिनिधियों से समन्वय करते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करे। प्रभारी मंत्री ने पशुपालन, मत्स्य व दुग्ध विकास विभागों की विशेष समीक्षा करते हुए जनपद में प्रस्तावित गोट वैली की प्रगति की स्थिति जानी। इसके साथ ही केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों के संचालन और पशु क्रूरता पर लगातार निगरानी करने की बात कहा। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। सारे जिले के अधिकारियों के साथ एक बैठक ली गई है, सिर्फ जिला योजना की बैठक नहीं थी, तो जिला योजना की कैसी प्रोग्रेस चल रही है उसके ऊपर ये बैठक थी, किस विभाग को कितना पैसा रिलीज हो गया, किस विभाग में कितना काम धरातल पर उतारा है, उसके साथ साथ केदारनाथ जी के जो काम चल रहे हैं उसके ऊपर एक हमारी बैठक थी, कितना काम हो गया, क्या काम पेंडिंग है, जो घोड़े कचरों का कितने हमारे यहाँ पर डेथ हुई हैं, क्या क्या हमने उनके लिए प्रयास किए हैं कि उनकी डेथ ना हो, कितने डॉक्टर के यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं, उसके ऊपर एक हमारी बैठक थी। और उसके साथ साथ जो हमारे केंद्रीय और राज्य के स्तरीय की हमारी योजनाएं हैं उसमें कितना हमारा प्रोग्रेस हुआ है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर एक हमने आज बैठक ली है। थोड़ी सी मुझे लगा कि जो हमारी कुछ विभागों की जो स्पीड है काम करने की, धरातल पर योजना उतारने की, वो थोड़ी कम थी, इसलिए मैंने उनको स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि अगले एक महीने में योजनाओं को धरातल पर जल्द से जल्द उतारा जाए, जो पैसा उनको मिला उसका सदुपयोग किया जाए। और कुछ हमारे माननीय विधायकगणों की भी शिकायत थी कि योजनाओं को बिना उनसे डिस्कस किए, बिना उनके समक्ष लाए उनको धरातल पर उतार दिया जा रहा है, उनके क्षेत्रों में उनसे बात नहीं करी जाती, तो मैंने अधिकारियों को स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि समन्वय बनाइए और जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना और उनके समक्ष योजनाओं को लाना।